हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूँ वैष्णवी और आपका स्वागत है आपके अपने रेसिपी क्रिएशन हिंदी में। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही आसान झटपट बनने वाली नाश्ते की रेसिपी। इसे हम सिर्फ एक कप गेहूं के आटे से बनाएंगे और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है। इसमें हम डालेंगे लगभग एक कप के करीब गेहूं का आटा। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच नमक। नमक आप आपके स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी को हम इस तरह से हाथों से क्रश करके इसमें ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें एक से दो चम्मच के करीब ऑयल ऐड करेंगे। अब हम सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला लेंगे। तो इस तरह से मैंने इन सारी चीज़ों को एकदम अच्छी तरीके से मिला लिया है। अब हम इनमें से लगभग दो चम्मच के करीब आटा साइड में निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैंने साइड में निकाल लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका डो लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा ही पानी ऐड करके इसका डो लगाना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसका डो लगा लिया है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें इसका डो लगाना है। तो साइड में मैंने दो आलू को उबाल कर इसके ऊपर का छिलका निकाल कर इसे एकदम अच्छी तरीके से कद्दूकस करके लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे लगभग दो से तीन हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच नमक। नमक आप आपके स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच आमचूर पाउडर, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच के करीब जीरा और एक चम्मच कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी को हम इस तरह से हाथों से क्रश करके इसमें ऐड करेंगे। अब हम इन सारे मसालों को एक बार अच्छी तरीके से मिला लेंगे। हमें इसका एकदम डो बनाना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इन सारे मसालों को एकदम अच्छी तरीके से मिला लिया है। बिल्कुल इसी तरह से हमें इसे अच्छे से मिला लेना है। अब हमने साइड में जो दो चम्मच के करीब आटा निकाला था, इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका हमें एकदम सॉफ्ट सा बैटर बनाना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें इसे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका बैटर बनाना है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से हमें इसका बैटर बनाकर रेडी करना है। अब हमने जो आटे का डो बनाकर रेडी किया था, हम इसे आटे में डिप करेंगे और इसे इस तरह से बेल लेंगे। हमें इसे एकदम रोटी की तरह बेलना है, लेकिन थोड़ा पतला बेलना है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से हमें इसे बेलना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे एकदम अच्छी तरीके से बेल लिया है। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे लगभग एक चम्मच के करीब टमाटो केचप। अब हम इस तरह से रोटी के हर तरफ इस तरह से टमाटो केचप लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने टमाटो केचप से सारी रोटी को कवर कर लिया है। अब हमने जो आलू का डो बनाकर रेडी किया था, अब हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। इसके ऊपर हमें इस तरह से इसे सेट करना है। तो आप देख सकते हैं चम्मच की हेल्प से हम इस तरह से रोटी के हर तरफ इसे सेट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे एकदम अच्छी तरीके से सेट कर लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से हमें इसे सेट करना है। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे एक मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ। इस तरह से हम इसमें सेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम रोटी को फोल्ड करेंगे। तो बिल्कुल इस तरह से हमें हाथों से प्रेस कर कर इसे फोल्ड करना है। तो इस तरह से मैंने इसे एकदम अच्छे से सेट कर लिया है। आप देख सकते हैं अब हम इसके साइड से भी इस तरह से एकदम अच्छी तरीके से सेट करेंगे। तो दोनों साइड से मैंने इसे एकदम अच्छी तरीके से सेट कर लिया है। अब हम बेलन की हेल्प से हम इसे थोड़ा सा फ्लैट करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस पर हम हल्का सा बेलन चलाना है। तो एकदम फ्लैट बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं
अब हम नाइफ की हेल्प से इसे कट कर लेंगे। आपको जिस शेप में चाहिए आप उस शेप में इसे कट कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे एकदम अच्छी तरीके से कट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इसकी ट्रफिंग कितनी अच्छी से सेट हो चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हमने साइड में जो बैटर बनाकर रेडी किया था इस तरह से हम इसमें एक बड़ी डालेंगे और इस तरह से हम इसके हर तरफ इस तरह से बैटर लगा लेंगे। अब साइड में मैंने पहले से ही ऑयल गर्म होने को रख दिया था। हमारा ऑयल भी एकदम अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। इस स्टेज पर हम एक एक करके सारी बड़ियाँ इसमें डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने सारे वड़े इसमें डाल दिया है। अब हम गैस की फ्लेम मीडियम पर रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे। तो कुछ ही टाइम में आप देख सकते हैं हमारी नाश्ते की एक साइड एकदम अच्छे से फ्राई हो चुकी है। ये गेहूं से आटे से बना है इसलिए इसे फ्राई होने में बहुत ही कम टाइम लगता है और साथ ही बहुत ही कम तेल में ये फ्राई हो जाता है। तो आप देख सकते हैं लगभग 5 मिनट में ही हमारे जो नाश्ता है एकदम से अच्छी तरीके से फ्राई होकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। सो गाइस, अगर आपको मेरे आज की नाश्ते की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक बटन पर क्लिक करें और साथ ही रेसिपी क्रिएशन हिंदी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।